इक्विपमेंट्स एडम कास्ट बनाने में यूज होती है वो एक कास्ट, यूनिवर्सल प्लायर, एडम्स प्लायर, वायर कटर, मार्कर एंड 22 गज स्टेनलेस स्टील वायर। ये स्ट्रेट वायर है, मैं इसमें 90 डिग्री टर्न दूंगा मिडल से और फिर अब मैं मोलर्स के ऑक्लूजल कस से मेज़र करूंगा मेजियली से डिस्टली, जो हमारी ब्रिज की लेंथ होगी। नाइन्टी डिग्री टर्न देना है नेक्स्ट एंड से। नाउ हम मेज़र करेंगे ब्रिज की लेंथ सही है या नहीं, और अब नेक्स्ट हमें एक एंड से यू फॉर्म करना है। और ब्रिज के दूसरे एंड में भी यू फॉर्म करना है। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। दोनों यू को मैं क्लोज कर दूंगा थोड़ा। नेक्स्ट हमें 45 डिग्री टर्न देनी है दोनों एंड पे। आप देख सकते हैं ये टर्न हो चुकी है और अदैप भी हो रही है मेजियली और डिस्टली। हमें मार्क करनी है जिनसे मैं ऑक्लूजल बैंड दे सकूं। एडम क्लास जिन्होंने डिस्क्राइब किया था वो है प्रोफेसर फिलिप्स एडम्स, इन्होंने 1948 में डिस्क्राइब किया था। फ्रेंड्स, एडम्स क्लास की और भी नाम है जैसे लिवरपूल, मॉडिफाइड एरोहेड क्लास, यूनिवर्सल क्लास और स्क्वाज एरोहेड क्लास। एडम्स क्लास रिटेंशन के लिए यूज़ होती है। फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा मैंने दोनों बैंड दे दिया ऑक्लूजली। फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं ऑक्लूजली और बकली दोनों अडेप्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हमें लिंगुअली अडेप्ट करनी है, वहाँ एक कर्व देनी होगी। और एक्स्ट्रा पर्सन हम रिमूव कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो एडम्स क्लास बन चुकी है। आर्म्स में हमें अडेप्ट करनी होगी। हम यह मार्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडेप्ट तभी हो पाएगी जब हमें वहाँ एक बैंड देना होगा। सारी साइड अडेप्ट हो चुकी है, हमें अब लूप फॉर्म करनी है दोनों आर्म्स के एंड पे। और ये लूप क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में होनी चाहिए। हम किसी भी अप्लायंसेस में लूप की जो टर्न देंगे
वो मिजेली ही होगी। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो एडम्स क्लास कंप्लीट हो चुकी है, बन गई है, बट थोड़ी सी एडाप्टेशन देनी होगी हमें आर्म्स में। अब आपके एडम्स क्लास बन चुकी है और फुल्ली अडेप्टेड है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें।